भारतीय जनता पार्टी के जामताड़ा प्रत्याशी सीता सोरेन पर टिप्पणी कर विवाद में घिरे इरफान अंसारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति में इतने डूब गए हैं कि उन्हें आदिवासी महिला नेत्री की इज्जत पर सवाल उठाने वाले मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ मौन हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह डिमांड करते हैं हम लोग कि भाई अविलंब जो है इरफान अंसारी को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। जिस तरह से उन्होंने आदिवासी महिला के साथ जो नेत्री भी है, जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी भी है, आदरणीय विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी की बड़ी बहू भी है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी भी हैं, उसके ऊपर यह टिप्पणी करना और उस टिप्पणी के बाद भी ठगबंधन दल का प्रत्याशी के रूप में हेमंत सोरेन जी का, कल्पना सोरेन जी का उनको सपोर्ट करना, उनका प्रचार करना, यह साफ दिखलाता है कि हेमंत सोरेन जी के लिए, कल्पना सोरेन जी के लिए आदिवासी कोई मायने नहीं रखता है, कोई उनके लिए आग्रही नहीं है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका वोट बैंक और विशेष करके बांग्लादेशी घुसपैठिए और मुस्लिम तुष्टिकरण का जो उनका वोट बैंक है उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। भले ही इस झारखंड की बहु बेटियों के साथ जितना भी दुर्व्यवहार हुआ उन लोगों का, उसमें तो उनका एक शब्द नहीं निकला। अब घर की बहू पर भी, घर के अपने भाभी पर भी इस तरह के एलिगेशन के बाद भी उनका चुप रहना, ये साफ दिखलाता है कि वो पूरी तरह से अपने तुष्टिकरण की राजनीति में इतने गिर गए हैं कि उनको मान सम्मान का कोई ध्यान नहीं है। और मुझे लगता है कि जामताड़ा की जनता, विशेष करके हमारे आदिवासी भाई, इस बार इस अपमान का बदला इरफान अंसारी और हेमंत सोरेन जी से जरूर लेंगे। मुख्यमंत्री धनबाद में भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद जाने माने कारोबारी और समाजसेवी एलबी सिंह द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर पिछले कुछ दिनों से चली आ रही खबरों पर उन्होंने विराम लगा दिया है। एलबी सिंह ने कहा कि वो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी आलाकमान द्वारा भविष्य में उन्हें मौका देने की बात कही गई है और वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। अभी मैं आपको इतना जरूर कहने जा रहा हूं कि मैंने, मुझसे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बात किया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैं यहां धनबाद की जनता ने जो मुझे प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और जो मुझे सपोर्ट दिया, उस हिसाब से मैंने धनबाद के लिए प्रबल दावेदार था। बट कोई समीकरण के कारण मुझे टिकट से वंचित रखा गया, बट पार्टी ने मुझे आश्वस्त किया कि आगे भविष्य में मेरे लिए पार्टी सोचेगी और करेगी। इसलिए आज हमारी जो धनबाद की जनता थी और जनता जनार्दन, जो हमारे भाई मित्र दोस्त, जो कि यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्होंने मुझसे उम्मीद लगा कर रखा था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं, और मैं इतना जरूर आपसे कह सकता हूं कि अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता तो एक निष्कर्ष पे पहुंचता और मेरी जीत मैं सुनिश्चित करता, क्योंकि धनबाद की जनता ने जो मुझ पर आस्था दिखाई है, मैं जो देख रहा हूं उस हिसाब से मैं धनबाद से जीत सुनिश्चित करता।